नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हैदराबाद के शांति सरोवर से काइंडनेस एंड कंपैशन प्रोजेक्ट का आगाज। संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती की दिव्य उपस्थिति में हुआ शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में लगी भीषण आग, पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया ब्रह्म कुमारी संस्थान। राहत सामग्री मुहैया कराने के साथ मनोबल बढ़ाने का प्रयास। शांतिवन में 2.5 साल बाद लगा 3D हेल्थ केयर कैट प्रोजेक्ट। नई उम्मीद लेकर पहुंचे कई हार्ट पेशेंट्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र से निकली अंधे का भारत साइकिल रैली। 20 ब्रह्म कुमारी पथरीले रास्तों से होते हुए पहुंची अनोखे स्थान। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत काइंडनेस एंड कंपैशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ। संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, शांति सरोवर के निदेशिका बीके कुलदीप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वर्या, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के CMD डी प्रभाकर राव, IESB वेंकटेशम, अपोलो हॉस्पिटल्स के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन शोभाना कामिनेनी, भाग्यनगर गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश तिवारी की उपस्थिति में हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत फिजिकली चैलेंज लोगों और किसी भी प्रकार के एडिक्शन में लिप्त लोगों का स्पिरिचुअली एम्पावरमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ किसानों को शाश्वत योगी खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसकी जानकारी बीके कुलदीप ने सभा में मौजूद सभी लोगों को दी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हजारों लाखों पेड़ लगाने की भी योजना है, तो इसमें हम सभी सहयोग देंगे जो भी इस सभा में आए हैं। तो जितना हम प्रकृति की सेवा करेंगे, प्रकृति भी हमें सुख देगी, क्योंकि सबसे नज़दीक प्रकृति हमारा शरीर है जो 5 तत्वों से बना है। तो इस प्रकृति को जितना हम सहयोग देंगे उतना हमारी यह प्रकृति भी ठीक रहेगी। Nobody is habituated to giving, but everybody is habituated to taking, expecting only. What they will do it, they are earning crores of rupees. They will not take even single pie. With lot of the dissatisfaction, peacelessness, attachment, that soul that will die, again he will take birth with the same position without earning anything. इसके पश्चात बीके जयंती ने सभा में मौजूद लोगों को अपना आंतरिक सशक्तिकरण करने के लिए सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होने की बात कही। साथ ही अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। But whatever is happening around me, what I can do is to begin with myself. I can never begin out there, but I have to begin with myself. And when I begin that journey of going inside, within myself and sorting that out, then that influence is able to spread and spread and spread and reach at least 125 others. We all aware what is happening in this world today. What is required is kindness, compassion and peace in the world. We don't mind giving. We'll give because that's the easy thing to do. But how much do we really love and give compassion? And today I learned so much from you. Thank you so much. And Kuldeep Didi, you invited me to be learning meditation here. I look at it as a privilege and look forward to interacting you with all of you so much more. Thank you. कार्यक्रम के अंत में बीके जयंती ने सभी को कमेंट्री द्वारा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया और ईश्वरी सौगात भेंट की। आत्मा के सर्व संबंध उस एक के साथ है, शरीर के संबंध अनेक है, परंतु सर्व संबंधों का रूहानी नाता एक के साथ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पावर हाउस सब्जी मंडी के पास बसी बस्ती में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग से हताहत लोगों को ब्रह्म कुमारी भिलाई के राज्य सेवा केंद्र द्वारा राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया गया।
मिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने राहत सामग्री से भरे ट्रक को शिव ध्वज दिखाकर सेवा केंद्र से रवाना किया। घटना स्थल पर ट्रक पहुंचने पर सर्वप्रथम बीके पूजा और संस्था के सदस्यों ने 10 मिनट पावरफुल योग करके शांति के प्रकंपन फैलाए। उसके पश्चात हादसे में हताहत हुए लोगों को घर घर जाकर बीके सदस्यों ने राहत सामग्री के पैकेट भी वितरित किए। बीके सदस्यों ने पैकेट्स वितरित करते समय पीड़ितों को हिम्मत बंधाते हुए आश्वासन दिलाया कि भगवान आपके साथ है और आगे भी हम आपकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में मन की शांति पाने के लिए तो लोगों का आना लगा ही रहता है, लेकिन अब 2.5 साल बाद दिल का इलाज कराने वालों का फिर से आना चालू हो गया है। दरअसल जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी द्वारा चलाए जाने वाला कैट प्रोजेक्ट चालू हो गया है, जिसके शुभारंभ अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल समेत संस्था के कई वरिष्ठ बहनें भी मौजूद रही। इस शिविर में डाइट, एक्सरसाइज और राजयोग मेडिटेशन के बल पर हृदय रोगियों का इलाज किया जाता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को 3D हेल्थ केयर प्रोजेक्ट कहते हैं। यह शिविर 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को उनके बीमारी का कारण और निवारण बताने के साथ साथ राजयोगी लाइफस्टाइल की भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी, ताकि मरीज तन और मन दोनों से स्वस्थ होकर यहाँ से जाए। आज हम 167वां प्रोग्राम कर रहे हैं और अभी तक 10,113 पेशेंट इसमें एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड हार्ट पेशेंट इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और जिन लोगों ने जितना प्रोग्राम को फॉलो किया है उतनी उनकी ब्लॉकेजेस खुली हैं। और जो प्रिवेंशन मतलब हार्ट अटैक, जो कि हार्ट अटैक के दर तो लगभग जो लोग फॉलो करते हैं उनको हार्ट अटैक आता ही नहीं, और हमारे ऐसे बहुत सेटिस्फाइड जो 24-25 साल से फॉलो कर रहे हैं, आज वो भी जिनकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी आज वो 90-90 साल के हो चुके हैं। मेरे को 2007 में मैंने स्वास्थ्य चेकिंग की थी, तो उसने कुछ ब्लड रिपोर्ट्स और कोलेस्ट्रॉल आदि काफ़ी बढ़कर आया था। फिर उसके बाद में मेरे को TMT करना पड़ा, TMT पॉजिटिव आई। फिर TMT पॉजिटिव करने के बाद में तुरंत मुझे एंजियोग्राफी करने के लिए कहा गया, तो मैं नायर हॉस्पिटल बॉम्बे में एंजियोग्राफी की, तो उसमें 3 ब्लॉकेज निकले। लेफ्ट साइड में जो है 90%, 95% और दूसरा एक जो है राइट साइड में 90%, ऐसे 3 ब्लॉकेज थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको तुरंत एंजियोप्लास्टी 2 वेंस को करनी पड़ेगी, 1 वेंस को नहीं करेंगे अभी तुरंत तो चलेगा करके ऐसे। तो फिर मैंने उनको कहा, मेरे को थोड़ा कैट प्रोग्राम के बारे में पता था कि ऐसे ऐसे माउंट आबू में प्रोग्राम चलता है करके। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात कर माउंट आबू आया और ये प्रोग्राम कैड का जो है मैंने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में 6 महीने मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। 6 महीने के बाद दोबारा मैंने पुणे में जो है रूबी हॉल वहाँ पे एंजियोग्राफी की, और एंजियोग्राफी में जो 3 ब्लॉकेज थे मेरे, 2 तो पूरे नील हो गए और 1 जो दूसरा था वो भी काफ़ी कम हो गया। तो डॉक्टर साहब को मैंने वहाँ पता है, डॉक्टर जगदीश हिरेमठ करके जो मेन डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला मैंने आपने क्या किया जो ब्लॉकेज निकल गए। तो मैंने उनको कैड प्रोग्राम के बारे में बोलते कि बहुत बढ़िया, मेरे को पता है आपको कुछ भी नहीं होगा, आप जो आपकी लाइफस्टाइल है वो हिसाब से आप चलो करके इसे। जयपुर के सोडाला सेंटर द्वारा होटल सफारी में ट्रांसजेंडर्स के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहा समानता ही मानव अधिकार है, जिसमें किन्नर अखाड़ा राजस्थान की महामंडलेश्वर पीठाधीश पुष्पा माई बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। पुष्पा माई नई भोर संस्था की अध्यक्ष भी हैं, इसलिए उनके साथ नई भोर संस्था के 15 ट्रांसजेंडर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बनीपाक सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि हम सब शारीरिक रूप से स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम सब एक समान आत्मा है, बस हमारा चोला अलग अलग है। बीके निर्मला की बातें सुनकर पुष्पा माई काफी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि इतना सम्मान आज तक हमें कभी नहीं मिला है। आगे उन्होंने कहा कि हम ट्रांसजेंडर लोग अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी एक साथ स्नेह से रहते हैं। इस दौरान समानता का महत्व दर्शाने के लिए एक ड्रामा का भी आयोजन किया गया, जिससे सभा में मौजूद 500 लोग काफी प्रभावित हुए, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सोडाला सेवा केंद्र के प्रभारी बीके स्नेह ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। भारत के प्रत्येक शहर में या आसपास ऐसे प्राचीन स्थल हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं। आज की भावी पीढ़ी को इन अनदेखे स्थलों से जोड़ने के लिए ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा
अनदेखा भारत साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली में 20 ब्रह्मकुमारियां छतरपुर से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसे झंझन देवी मंदिर पहुंची। इस मंदिर की कुछ मान्यताएं हैं जिसका वर्णन राजयुग शिक्षिका बीके कल्पना बता रही हैं। यहाँ पर जब हम लोग आए तो यहाँ पर हमें यहाँ के महाराज जी ने, पुजारी जी ने बताया कि इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसको किसी ने स्थापित नहीं किया है, वो अपने आप ही प्रकट हुई है। और यह मंदिर शहर से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है और भूतल से इसकी ऊंचाई 300 फुट ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पर ये सारी बहनें साइकिल से इस जंगल के एरिया से निकलकर और पथरीली भूमि से गुजरकर इस मंदिर को, विश्व की धरोहर को दिखाने के लिए विशेष यहाँ पर पहुँची हैं। इस रैली को छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने किशोर सागर सेवा केंद्र से रवानगी दी, जिसके पश्चात रैली 7 किलोमीटर की दूरी तय करके झंझन देवी मंदिर पहुंची। रास्ता भले ही पथरीला और कठिन था, लेकिन ब्रह्मकुमारियों का हौसला बुलंद रहा। हम सभी 20 बहनें साइकिल यात्रा के साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी संदेश दे रही हैं कि साइकिल यात्रा से हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को भी जागृत कर सकते हैं और स्वच्छता का भी संदेश लेकर के चल रहे हैं। महिलाओं को उनके अंदर छिपी संभावित प्रतिभा को उभारने हेतु जागरूक करने के लिए मुंबई के मुलुंड सब जोन द्वारा महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 6 महिला टीमों ने बड़े ही जोश के साथ भाग लिया। टूर्नामेंट का शुभारंभ वंदे मातरम डिग्री कॉलेज के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार कोल्हे, धर्मेंद्र जैन, राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता ममता प्रभु, मुलुंड सबजोन प्रभारी बीके डॉक्टर गोदावरी, भांडुप सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती, बीके जयश्री, विजया शैला राणे ने मशाल जलाकर किया। महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन एक नए तरह से करने के लिए आयोजित इस टूर्नामेंट में बीके गोदावरी ने सभी खिलाड़ियों को संदेश दिया कि जीवन एक खेल है और हम वो खिलाड़ी हैं जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान है। जीवन के इस खेल में हम जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। प्रतियोगिता के समापन में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और मेडल प्रदान किया गया। संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा राजयोगी बच्चों के लिए आयोजित किए जाने वाले वेबिनार में पावर ऑफ सकाश विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों के लिए प्रॉप्स के द्वारा स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें देश भर से कई बच्चों ने भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। हाय फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी अबाउट द ग्रेट एलिफेंट। वन डे Elephant wandered into a jungle to search for friends. He saw a monkey on a tree. Ha! Look at your friend, it's bleeding. And look at me, I'm so perfect. I'm able to carry a pot full of water. The owner footed. Monkey was footed. One day, he was cutting wood on the bank of a river. Suddenly, इस प्रतियोगिता में आकांक्षा गोहिल फर्स्ट रही, छवि गोयन का सेकंड और उड़ीसा के दिव्यांशु और कृतिका थर्ड रहे। इन विजेताओं को उनके गिफ्ट्स उनके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। एक गांव में नदी किनारे एक पंडित जी रहा करते थे। वे बहुत विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके घर में रोज सत्संग चलता था। वे बहुत सी ज्ञान की बातें भी सुनाते थे। नदी के दूसरे किनारे एक ग्वालन भी रहा करती थी। वह रोज दूध लेकर नदी के इस पार आती थी। वह पंडित जी को दूध भी देती थी और सत्संग भी सुनती थी। एक बार उसने सुना हरि नाम में इतनी ताकत है कि वे नदी भी पार करा सकते हैं। पंडित जी का तात्पर्य था जीवन रूपी नदी पार कराने का, पर भोली ग्वालिन को ऐसा निश्चय हो गया हरि नाम लेने से नदी पार हो जाती है। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी of the lion and the mouse. Let's start. Once upon a time, there lived a lion in the jungle. One day after having his meal, he was taking rest under a tree. Naughty mouse saw him. She thought it would be fun to play on the lion's back. Today we are here to show you a puppet story about a little rabbit and an old woman and a fairy. Let's start. अब कुछ खबरें एक नजर में।
राजस्थान के भादरा में उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम गणेशी लाल अग्रवाल से बीके चंद्रकांता की मुलाकात। बीके चंद्रकांता ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की दी जानकारी। कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी हुई मुलाकात। थाने के नौपड़ा स्थित आपटा मंदिर में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। 1000 से भी अधिक लोगों को दिया ईश्वरी संदेश। नौपड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने मंदिर के ट्रस्टी से की मुलाकात। मंदिर के प्रांगण में मौजूद लोगों को बीके रेखा ने निराकार परमात्मा शिव का दिया वास्तविक परिचय। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित YES परमार यूनिवर्सिटी में लगा 5 दिवसीय शिविर। 100 से भी अधिक छात्रों ने लिया भाग। सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट एंड लाइफ स्किल रहा चर्चा का विषय। गंगाघाट सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता, बीके प्रतिका ने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने और तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन करने का दिया सुझाव। इसको जो चलाने वाली पावर है ये शरीर से निकल जाती है और जो जो आपने इस बॉडी के द्वारा जितनी भी आपकी उम्र रही। मुंबई के गोराई सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए राजयोग मेडिटेशन पर 7 दिवसीय वर्कशॉप। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल के मार्गदर्शन में कई कॉम्पिटिशन का आयोजन। वर्कशॉप के अंतिम दिन युवाओं को पुरस्कृत करने के लिए शिवसेना शाखा नंबर 9 के कोऑर्डिनेटर नितिन सुरेश कदम, शिवसेना बोरीवली विधानसभा कोऑर्डिनेटर विनोद राज शिर्के और मानसी मिरानी रही मौजूद। मानसी मिरानी ने सुनाया अपना अनुभव। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।